गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लेह लद्दाख में शहीद हुए गोरखपुर के लाल पुरुषोत्तम का शव पहुंचा उनके गांव। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया कांधा, सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड 19 महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु 14वें राज्य वित्त आयोग से उपलब्ध धनराशि से संसाधनों की उपलब्धता संबंधित बैठक L1 और L2 के अस्पतालों में संसाधनों के साथ कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसपी सिटी के नेतृत्व में गोरखनाथ पुलिस और LIU की टीम ने गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। एसपी सिटी ने कहा, स्थिति है पूरी तरह से सामान्य। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश CDF यूपी के महासचिव सुरेश गुप्ता ने जल्द ही गोरखपुर में एक नया संगठन खड़ा करने के दिए संकेत। का संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण खत्म की गई दवा विक्रेता समिति गोरखपुर की समर्थता। वहीं दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया ने किया पलटवार, लगाया CDF यूपी के महासचिव सुरेश गुप्ता पर आरोप, कहा बगैर सबूत के की गई है कार्रवाई। एडीएम सिटी और एसपी सिटी की अध्यक्षता में मुतवली कमेटी के पदाधिकारियों की संपन्न हुई बैठक। एडीएम सिटी ने कहा, शासन के निर्देश अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम करना पूरी तरह है प्रतिबंधित। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी निजात दिलाने के लिए निजी अस्पताल संचालकों की बैठक, आपसी सामंजस्य बैठाकर कोरोना संक्रमितों के इलाज पर बनी सहमति। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट वालों की होगी टीबी की जांच, सारी व ILI के तहत चिन्हित नेगेटिव रिपोर्ट वालों की बनेगी सूची और होगी जांच, CMO डॉ. श्री कांत तिवारी ने दी जानकारी। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वर्चुअल क्लासेस और ई ज्ञान गंगा के माध्यम से दी जा रही है शिक्षा के संबंध में आयोजित हुई कार्यशाला। वर्चुअल स्कूल चलाने का हुआ निर्णय, जिससे छात्रों के सत्र को किया जा सके नियमित। गोरखपुर जिले में सोमवार को 187 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज, 5 की हुई मौत। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 7490। अब तक 109 कोरोना पॉजिटिव मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 2656 हुए एक्टिव कोरोना मरीज, CMO डॉ. श्री कांत तिवारी ने दी जानकारी। प्रवर्तन दल को मिली अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी, ट्रांसपोर्ट नगर महवा बंधे पर पकड़ा गया 42 कुंतल प्रतिबंधित पॉलीथीन, 2.5 लाख से ज्यादा आंकी गई कीमत, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने दी जानकारी। वार्ड नंबर 46 दाऊदपुर के उपभोक्ताओं ने अपने कोटेदार पर राशन वितरण में गठदौली का लगाया आरोप, जिला पूर्ति अधिकारी से की शिकायत, कार्रवाई का मिला आश्वासन। सोमवारी जाम लगने की स्थिति का जायजा लेने SP ट्रैफिक ने महानगर के प्रमुख चौराहों पर लगने वाले जाम की समस्या को किया चिन्हित, कहा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई। और चरगांव में जंगल महुआ उर्फ मोहम्मदपुर हमीदुल्ला नगर कॉलोनी वार्ड संख्या 6 में जल जमाव से निजात दिलाने के संबंध में मोहल्लेवासियों ने नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन, जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग।